कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक लौंडे लपाटे कूनों में चुल मचाते बॉय के बारे में। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरे साथ एक कल्पना करो। नहीं नहीं, चांद पे नहीं जाना है, लेकिन सोचो यार, तुम एक साधारण व्यक्ति हो जिसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, और उन परेशानियों से बचने के लिए तुम गोवा का ट्रिप प्लान करते हो, और गोवा जाते ही तुम्हारा मन बीच पे जाने का करता है। बीच पे जाते ही ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, धीरे धीरे पानी तुम्हारे पैरों की तरफ पड़ रहा है। यू आर हैविंग अ ग्रेट डे, और फिर जैसे ही तुम अपनी मुंडी दाहिनी तरफ घुमाते हो, तुम्हें ये दिखता है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। जिंदगी लूनी टून नहीं है कि जितना प्यार है उतने प्यारे हम। दुनिया माधवचोद थी, माधवचोद है, माधवचोद रहेगी। अपनी ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइयो। क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अबे क्या करूँ, क्या प्यार नहीं करता तो कर ना ब्रेकअप। बच्चे दिमाग की है वो, पीटने लगेगी मुझे। अबे पीटेगी ना, आग खुड़ने लगा देगी। अबे पीटेगी ना, खुड़ने लगा देगी, खुड़ने लगा देगी, खुड़ने लगा देगी। चल बोझड़ी के। सही बोल रहा है भाई। ए तू आर्टिस्ट है? जी जी जी। बेटी चोद सही से करियो, मजा आना चाहिए। और शो खत्म होने के बाद मुझे पूरा हिसाब क्लियर कर। लोग, आज मैं वापस उस शानदार ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी चूतिया ब्रीड हो, तुम स्टार बन सकते हो। जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे दो पैर है या चार, तुम स्टार बन सकते हो। जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा स्वाद खट्टा या मीठा, तुम स्टार बन सकते हो। टिकटॉक मेरी नाक का वो चूहा है जिसे मैं कितना ही सिनक लूं, बाहर आने को राजी नहीं है। साले को उंगली देख के बाहर निकालना पड़ता है। देखो ये एक बहुत ही अजीब वक्त है, सब घर में बंद पड़े हैं और दुनिया की फटी हुई है, लेकिन इस वक्त में भी कुछ टिकटॉक की बेटियां जिन्हें जबरदस्ती पंगे लेने की चुल मच रही है। अब देखो मुझे कोई शौक नहीं है इनमें बार बार माथा फोड़ने का, लेकिन जब खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि कुछ ना करूँ। इससे मिलो, ये है प्रोफेशनल टिकटॉक। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। रुको जरा, सबर करो, मैं कैरी को कॉपीराइट स्ट्राइक देके बर्बाद कर दूंगा। असली तो फुद्दू बैठे हैं यहाँ पे, तू मार स्ट्राइक। पेड़ की डाली पे बैठ कर कटाई करोगे तो भोसड़ी के खुद भी गिरोगे। हर विवेक ओबरॉय के लिए एक सलमान खान जरूर होता है, लेकिन यार हमें तो बस इतना ही सिखाया, सबको सपोर्ट करके चलो, किसी से नफरत नहीं, किसी को हेट नहीं। यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। सही बात है यार, हम कुत्तों की तरह लड़ते हैं। साला मेरे पे वीडियो काय को बनाया, अरे तू तेरी माँ चोद देगा, मैं साला 2 लाख के सब्सक्राइबर मेरा समझता क्या रे अपने आप को। एक नहीं 10 वीडियो बनाएगा, बता क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट भी बनाएगा, बता क्या करेगा। ए चल चल, कैमरा ऑफ हो गया। रमेश, हमें इन कुत्तों की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल वी आर पुसीज। तो सही कह रही है बैल। मेरी गाड़ी तोड़ दिया। गाड़ी चलाता है, निकल हड्डी तोड़ भाई की, हड्डी तोड़ेगा भाई की। आशीष म्युनिसिपैलिटी स्कूल अपने टिकट जारी करते थे, साले इतनी बड़ी गाड़ी कब ले लिया, मेरे बचपन का यार। ये फैजू कर क्या रहे पीछे? यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। बेटी जबरदस्ती भगवान का बंदा मत बन, जिनने कोशिश की आधे जेल में है। आज मैं तुमको मेरे खास दोस्त से मिलाता हूँ, तुमको बचपन का दोस्त है मेरा, जान छिड़कता है मुझ पे। अरे अरे आशीष, कैसा है मेरा भाई आशीष? आलिया आलिया आशीष।
वाईफाई कनेक्ट, तुम यहाँ आ चुकी हो आशीष? ऊपर से लेके नीचे तक भोसड़ी के बंडलों में बिकते हो तुम, तुम्हारी एक अकेले की कोई कीमत नहीं है। पता नहीं कौन से हुए में बैठे हैं, तभी यूनिटी दिखाने की ना जबरदस्ती जरूरत पड़ती है। साले मिठाई की दुकान पे लेके दिल से बुरा लगता है और दिल से बुरा लगता है जब कोई ऐसा ना करे और किसी के साथ ऐसा ना करे, मेरे को दिल से बुरा लगता है। प्लीज भाई, दिल से बुरा लगता है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते है जिंदगी में, अपने घर पे जाओ, बच्चों के गांडे साफ करो, समझा? बच्चों के गांडे साफ करो, अभी यही काम बाकी है तुम लोग का।